हे एवरीबडी आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी इस वीडियो में हम मोक टेस्ट सीरीज़ के मॉड्यूल सेवन को डिस्कस करेंगे जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है अगर आपने हमारे पिछले मोक टेस्ट के मॉड्यूल्स को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी क्लिक करके देख सकते हैं सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल सिम शैल बी कॉल्ड अगर किस ये जो है ये बेसिकली एविडेंस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन भी जो हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये बी एच यू का जो है पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन भी है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है एग्जामिनेशन इन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन नैन ऑफ द एबव सो करेक्ट आंसर इज एग्ज़ामिनेशन इन चीफ जब जब किसी विटनेस को बुलाया जाता है तो जिस विटनेस ने जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया है जब वही पार्टी उससे कुछ क्वेश्चन करती है तो यहाँ पर उस विटनेस को इस पूरे एग्ज़ामिनेशन को कहते हैं एग्ज़मिनेशन इन चीफ जिस पार्टी ने उसे बुलाया है जब वो क्वेश्चन उसी से करती है Next, the examination of a witness by the adverse party shall be called his. इसमें आप क्वेश्चन को एलिमिनेट आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं क्योंकि पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में एक ऑप्शन सेम है तो वो आंसर तो इसमें होगा नहीं बट मेरा पर्पस ये है कि आप तक जो है वो मेन नॉलेज को पहुंचाया जाए ना कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को डिफ़िकल्ट बनाया जाए सो so, यहाँ पे जो इसका ये मतलब है कि द एग्ज़ामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी यानी कि जब किसी अपोजिट पार्टी द्वारा उस विटनेस का एग्जामिनेशन किया जाता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्या कहलाता है एग्जामिनेशन इन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्ज़ामिनेशन नन ऑफ द एब सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो है ही नहीं क्योंकि पिछला आंसर था क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्ज़ामिनेशन नन ऑफ द एब इसमें से करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी क्रॉस एग्जामिनेशन जब अपोजिट पार्टी विटनेस से क्वेश्चन पूछती है तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी तो जब विटनेस का एग्जामिनेशन एक बार हो चुका है एग्जामिनेशन इन चीफ उसके बाद अपोजिट पार्टी उससे क्वेश्चन कर लेती है उसके बाद दोबारा जो है वो सब्सिक्वेंट पार्टी जिस पार्टी ने उसे बुलाया है वो कुछ क्वेश्चन करती है तो ये कहलाता है री एग्जामिनेशन आई होप आपको तीनों टाइप के एक चीफ इन एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन में डिफरेंस भी समझ आया होगा और ये आपको टर्म्स भी क्लियर हो गए होंगे जो इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं और लो एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एविडेंस ऑप्टेन बाय अन्ड्यू एंड अनलॉफुल मीन्स जब कोई भी एविडेंस अंडियो इन्फ्लुएंस यानी कि कोई जो यहाँ पे ऊंची पोस्ट का पर्सन वो किसी पर्सन को दूसरे पर्सन को डोमिनेट करके उससे कंसेंट लेता है और अनलॉफुल तरीके से अनलॉफुल लॉफुल मीन्स यानी किसी गलत चीज़ के लिए जब यहाँ पे कंसेंट ली गई है तो यहाँ पे एविडेंस की बात हो रही है तो इन दोनों तरीक़ों से जो यहाँ पे एविडेंस लिया गया है वो क्या होगा रिलेवेंट ऑप्शन बी इ रिलेवेंट ऑप्शन सी रिलेवेंट एंड एडमिजिबल ऑप्शन डी इ रिलेवेंट एंड इन एडमिजिबल तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इ रिलेवेंट एंड इन एडमिशिबल क्वेश्चन फाइव अ वॉल्टियरी कन्फेशन इज एडमिजिबल इन एविडेंस वॉलेंटियरी यानी अपनी मर्जी से जो कन्फेशन दिया गया है वो एडमिसिबल है so, यहां इन एविडेंस सो यहाँ पे अब इन ऑप्शंस को देखना है कि किसके सामने कैसे और किन इस में दिया गया है तो वो किस तरह से जो है एडमिसिबल है ऑप्शन ए व्हेन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर ऑप्शन बी टू अ मजिस्ट्रेट हैविंग कॉम्पिटेंट जूरिस्टिक्शन ऑप्शन सी to a village sarpanch with a request to save him from police option D none of the above so the correct option is option B to a magistrate having competent jurisdiction क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुलिस ऑफिसर जो है पुलिस स्टे, आ, स्टेशन में या पुलिस ऑफिसर के थ्रू जब उस एडमिस कन्फेशन लिया जाता है या वॉल्ट्री कन्फेशन भी है तो उसमें बिलीव करना मुश्किल होता है कि क्या वो सच में वेंटियरली है या नहीं है बट जब एक जो मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे कॉम्पिटेंट जुरिस्टिक्शन वाला होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ जुरिस्टिक्शन हो यही जो है ये कन्फेशन जो है वो एडमिजिबल होगा एविडेंस लॉ के अकॉर्डिंग इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिजिबल इन जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो एडमिजिबल किस किसमें हैं ऑप्शन ए सिविल प्रोसीडिंग्स ओनली ऑप्शन बी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ओनली ऑप्शन सी सिविल एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑप्शन डी नन ऑफ द एब। सो करेक्ट ऑप्शन इज अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स सो डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है सपोज कीजिए कि इसमें जो है अगर कोई पर्सन अगर एक व्यक्ति दूसरे को मार देता है और वो मरने से पहले अपने जो है मरने से पहले ये बताता है कि ए ने मुझे जो है वो मार दिया है और ऐसे बताते ही तुरंत वो मर जाता है आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा अमिताभ बच्चन की मूवीज में उसमें दिखाया जाता है कि दिखाते हैं कि एंड में हीरो मरने से पहले कुछ बोलता है ऐसे कुछ भी दिखाया जाता है तो ये डाइंग डिक्लेरेशन होता है बट हाँ वो जो डाइंग डिक्लेरेशन में कह रहा है वो उसके डेथ से रिलेटेड होना चाहिए कि उसको मारा किसने है फालतू की स्टोरी नहीं ये डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल है सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स में क्वेश्चन सेवन विच इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट कि इसमें से कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है ऑप्शन ए एफिडेविट ऑप्शन बी जजमेंट ऑप्शन सी अरेस्ट वारंट ऑप्शन डी विल सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी विल जो एक एक जो है वो बना पर्सन बनाता है कि उसकी प्रॉपर्टी या उसकी जो भी शेयर्स हैं वो उसकी डेथ के बाद किसे मिलेंगे तो ये जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है ऑप्शन ए अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑप्शन बी एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑप्शन सी अ पंचनामा प्रिपेयर बाय अ पुलिस ऑफिस ऑप्शन डी अ पब्लिक वर्क डीड सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है क्वेश्चन नाइन राम एग्री टू पे रुपीज वन हंड्रेड वन थाउजेंड टू श्याम फोर इज़ गिविंग एविडेंस इन अ सूट सो द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अब ये इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये किस में फॉल करते हैं या कैसे होते हैं वैलिड होंगे वॉइड वॉयडेबल सो ये आपको बताना है सो ऑप्शन ए इज वैलिड एंड इन्फोसिबल एट लॉ ऑप्शन बी वॉइड बींग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ऑप्शन सी वॉयडेबल एट द ऑप्शन ऑफ राम ऑप्शन डी इलीगल सो so, इसमें क्या है कि वो एग्री है इसको इतने रुपए पे करने के लिए फॉर इज गिविंग एविडेंस इन सूट, कि जो सूट में एविडेंस वो देने वाला है उसके लिए तो यहाँ पर इस टाइप के जो यहाँ पे एविडेंस के इस टाइप के जो एग्रीमेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये वॉइड होते हैं वॉयड बींग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट दिस ए जो है कॉन्ट्रैक्ट में जाता है बी के साथ टू पे हिम रुपीज़ फिफ्टी था फिफ्टीन थाउजेंड इफ़ पाकिस्तान विन्स द वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गई तो वो क्या करेगा कि ए ए एंटर्स इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू पे हिम सम ऑफ रुपीज़ फिफ्टीन थाउजेंड वो सब पचास हजार रुपये देगा तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका टाइप क्या होता है ये होते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिनका कोई इवेंट जो है वो क्या होता है सर्टिन नहीं होता अब यहाँ पे जो है या तो पाकिस्तान जीतेगी या तो जिस आ, या तो कोई जो दूसरी टीम है वो जीतेगी तो ऐसे जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नेक्स्ट अ काउंटर ऑफर इस काउंटर ऑफर क्या होता है ऑप्शन ए एन इन्विटेशन टू ट्रेड ऑप्शन बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर ऑप्शन सी अ रिजेक्शन ऑफ द ऑरिजिनल ऑफ़र ऑप्शन डी अ बार्गेन सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी अ रिजेक्शन ऑफ द ऑरिजिनल ऑफर इज काउंटर ऑफर यहाँ पे एक न्यू ऑफर क्रिएट होता है और ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जाता है ये जो है इन राम वर्सेस श्याम जो इस तरीके की केसेस हमें सुनने को मिलते हैं डैश वर्सेस डैश सो ऐसे केसेस में जो फर्स्ट लिखा रहता है राम राम कांट भी राम क्या नहीं इसमें हो सकता प्लेंटिव एपीएल डिफेंडेंट प्रोसिक्यूटर आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है इसे एज्यूम नहीं करना कि राम किस टाइप से पूछ रहा होगा तो यहाँ पे जो राम है वो क्या नहीं हो सकता डिफेंडेंट वो प्लेंटिव हो सकता है क्योंकि जो केस को फाइल करता है पुलिस नहीं जो पर्सन केस को जो है वो कंप्लेन फाइल करता है तो श्याम के अगेंस्ट तो यहां पे जो राम है वो डिफेंडेंट नहीं हो सकता नेक्स्ट है मेडिकल साइंस यूज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स इज नॉन एज सो ये बहुत ही फेमस है जिसने सी आई डी देखा होगा उसे पता होगा तो मेडिकल साइंस इज यूज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स इज नॉन एज फॉरेंसिक साइंस नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्यूंस जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ये क्या होते हैं बेसिकली यहाँ पे इस वर्ड का मतलब पूछा जा रहा है ऑप्शन ए अ जज अदर देन अ चीफ जस्टिस ऑप्शन बी द चीफ जस्टिस ऑप्शन सी अ टेम्परेरी जज ऑप्शन डी या रिटायर्ड जज सो ये जो जज होते हैं ये वो जज होते हैं अदर देन अ चीफ जस्टिस जैसे कि इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो बेंच है वो थर्टी थ्री प्लस वन यानि कि इतने जो है वो अदर जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस हैं तो ये इस तरह से पूछे जा रहे हैं जज अदर दैना चीफ जस्टिस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रॉपर्टी तो इसमें से कौन सी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कॉपीराइट भी है ट्रेडमार्क भी है और जो नहीं है वो क्या है प्रॉपर्टी ऑफ अ इंटेलेक्चुअल सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी आपको इसमें पेटेंट ये कितने टाइम के लिए ग्रांट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पेपर में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जैसे कि 2019 थाउजेंड नाइनटीन डी एल एल वी में इस तरह से पूछे जाते हैं कि कितने साल के लिए इनको ग्रांट किया जाता है स्वि स्टेटस क्वि तो इसका क्या मतलब होता है इस मैक्सिम का मतलब होता है प्रजेंट कंडीशन जो चीज़ जिस कंडीशन में है अभी वो वैसी ही रहेगी नेक्स्ट इंडियन जज इन द यू एन लॉ ऑफ द सी ट्रिब्यूनल जो इंडियन इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के जितने भी पोस्ट जितने भी पर्सन जो होते हैं अपॉइंट होते हैं बेसिकली यूनाइटेड नेशंस में वो जरूर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है सो द करेक्ट ऑप्शंस आर नीरू चड्ढा ऑप्शन बी दलवीर भंडारी ऑप्शन सी नीरू चंद्रा ऑप्शन डी चंद्रशेखर राव सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नीरू चड्ढा यहाँ पे जो हैं वो इंडियन जज हैं टू द एन लॉ ऑफ द सी ट्रिब्यूनल क्वेश्चन एटीन वट इज़ द मीनिंग ऑफ गिफ्ट एड्स मार्केट इस टाइप का गिफ्ट मार्केट का मतलब क्या होता है ऑप्शन ए मार्केट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑप्शन बी मार्केट ऑफ स्मगल गुड्स ऑप्शन सी मार्केट ऑफ ऑप्शन गुड्स ऑप्शन डी मार्किट ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट्स सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए क्वेश्चन नाइनटीन द सुप्रीम कोर्ट हेल्स दैट एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन द केस तो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये बोला कि जो भी एविडेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होंगे वो एज अ रिकॉर्ड होंगे उनको माना जाएगा या इन एविडेंसेस को इनके थ्रू जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है ऑप्शन ए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई ऑप्शन बी परमजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ऑप्शन सी पप्पू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ऑप्शन डी बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं डब्ल्यू सी बैनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से कौन सा ऐसा टैक्स है टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे नहीं किया जाता ऑप्शन ए लैंड रिवेन्यू ऑप्शन बी कस्टम ड्यूटी ऑप्शन सी इनकम टैक्स ऑप्शन डी वेल्थ टैक्स सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए लैंड रिवेन्यू हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू ऑडियंस इन ऑल द इंडियन कोर्ट्स सो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारी कई वीडियोस हैं जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ कमेटीज जो होती हैं और जो रिसेंट केसेस हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस भी हैं आप उनको ज़रूर कॉन्स्टिट्यूशन की प्ले में जाकर चेक कीजिए तो यहाँ पे हु हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू ऑडियंस इन ऑल इंडियन कोर्ट्स ऑप्शन ए प्रेजिडेंट ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया Option C Attorney Journal. Option D solicitor journal. So the correct option is option C Attorney Journal. Next question: A person goes underground and evades the jurisdiction of the court is known as. So the correct option is option. Option D, absconder. Next. द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन इलेक्शन टू लोकल लोकल सेल्फ यहाँ पर यह देखना जरूरी है लोकल कह रहे हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेडर अंडर ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इंडेक्स रेजिडेक्स इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए शेयर प्राइस ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड प्राइजेस ऑप्शन सी प्राइज इन्फ्लेक्शन इंडेक्स ऑप्शन डी लैंड प्राइजेस सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लैंड प्राइजेस सो ये मॉड्यूल यहीं पे ख़त्म होता है आगे आने वाले मॉड्यूल्स में हम इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन को भी लेके आएंगे की पोचिंग आवर वीडियोज़ अगर आपने पिछले मॉड्यूल्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग